हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको चिरपी द स्पैरो चैप्टर रीड कराया था। अब इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आपको इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी है, सिर्फ अपने ही उससे इसका आंसर देना है। क्योंकि आपने यदि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये सेंटेंस किसने बोले हैं। ओके, फर्स्ट है Who said the following lines? ये लाइन किसने बोली है? I have no home. किसने बोली थी बच्चों? चिरपी। चिरपी ने बोली थी कि I have no home. कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है. Don't worry my friend, we will do something. फिक्र मत करो, टेंशन मत लो मेरे दोस्त, हम कुछ करेंगे. ये किसने बोला था बच्चों? टुक टुक जिराफ ने. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? टुक टुक जिराफ, या फिर टुक टुक लिख दो. ओके, आगे बढ़ते हैं. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन है. हु इज़ चिरपी? चिरपी वाज ए स्पैरो. ओके, मैंने इसमें नहीं लिखे हैं बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर मैं अपनी नोटबुक में लिख के आपको दूंगी, जिसकी वीडियो मैं अभी डाल देती हूँ, इसी में वो ऐड कर देती हूँ. लेकिन इससे पहले हम ये करते हैं. ओके, पुट द वर्ड इन द राइट ऑर्डर. जो हमारे वर्ड दिए गए हैं इन्हें हमें अरेंज करना है, जो ये अलग अलग उसमें दिए गए हैं, जैसे वाइंड है, जिसके हमें टुकड़े टुकड़े करके दिए गए हैं, तो हमें इसे एक सेंटेंस में अरेंज करना है. ओके, पहला दिया गया वाइंड फास्ट इज ब्लोइंग द. तो हमारा पहला क्या आएगा? द वाइंड इज फास्ट ब्लोइंग. द वाइंड इज फास्ट ब्लोइंग. ओके, फिर हमें लास्ट में क्या करना है बच्चों? यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है. ओके, फिर है हमारा ड्राई फेदर्स हर टुक टुक. ड्राई फेदर्स हर टुक टुक, हमें इसका अरेंज सेंटेंस बनाना है. तो हमारा क्या आएगा? टुक टुक ड्राई हर फेदर्स. क्या किया था टुक टुक ने? चिरपी के फेदर्स, जो पंख थे, उन्हें सुखाया था. तो हमें यहाँ पे अरेंज करके लिखना है टुक टुक ड्राई हर फेदर्स. ओके, लास्ट में फुल स्टॉप. ओके, हैज़ लवली चिरपी ए नेस्ट. ओके, हैज़ लवली चिरपी ए नेस्ट. तो हमें इसे अरेंज करना है चिरपी हैज़ ए लवली नेस्ट. चिरपी हैज़ ए लवली नेस्ट. ओके, ये हमारा थर्ड हो गया बच्चों, और इनके आंसर मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं, जो मैं आपको शो करती हूँ. ओके, ये हैं हमारे क्वेश्चन आंसर. आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. ओके, हु इज चिरपी? इसमें दिया गया है हु इज चिरपी. चिरपी वाज ए स्पैरो. चिरपी वाज ए स्पैरो. हु इज चिरपीज फ्रेंड? चिरपी के दोस्त कौन कौन थे? टुक टुक जिराफ इज चिरपीज फ्रेंड. टुक टुक जिराफ इज चिरपीज फ्रेंड. टुक टुक जिराफ था जो, वो चिरपी का दोस्त था. फिर है थर्ड हमारा हु डज टुक टुक कॉल फॉर हेल्प. टुक टुक ने किसको अपनी मदद के लिए बुलाया? हु डज टुक टुक कॉल फॉर हेल्प. टुक टुक कॉल फॉर हेल्प रैबिट द डियर एंड द पिजन. टुक टुक ने खरगोश, हिरन और कबूतर को अपनी मदद के लिए बुलाया. ठीक है, आगे है व्हाट थिंग्स डू ऑल द एनिमल्स कलेक्ट फॉर मेकिंग ए नेस्ट. सभी पशुओं ने क्या इकट्ठा किया, क्या क्या इकट्ठा किया जिससे चिरपी का घोंसला बन गया? दे ऑल एनिमल्स कलेक्ट फॉर मेकिंग ए नेस्ट ट्विक लीव्स एंड फेदर्स. कुछ तिनके, पत्ते और फेदर्स, पंख इकट्ठे किए चिरपी का घोंसला बनाने के लिए. ओके, ओके बच्चों, हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए. अब हम आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में. हमारी आगे एक्सरसाइज है फाइंड द ऑप्शंस अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. हमें अपोजिट वर्ड बनाने हैं. हमारे पास ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं. अपोजिट वर्ड बच्चों वो होते हैं कि उनका उल्टा. ओके, जैसे स्लो है, स्लो क्या का अर्थ होता है? धीरे. और हमें यहाँ पे क्या लिखना है? फास्ट, जो कि मैंने लिख रखा है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा. फास्ट, ओके, फास्ट, एफ ए एस टी, फास्ट. स्लो,
फास्ट, सैड हैप्पी, एच ए डबल पी वाई हैप्पी। ड्राई, ड्राई मीने सूखा, और वेट मीने गीला, डब्ल्यू ई टी वेट, वेट मीने गीला। स्मॉल, स्मॉल मीने छोटा, बी आई जी बिग, और बिग मीने बड़ा, बी आई जी बिग। सॉरी स्टूडेंट, हमारा था डी, स्मॉल, स्मॉल का बिग, अप डाउन, अप डाउन। अगला है हमारा फाइव, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमारा ये हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है। कि प्रीपोजिशन क्या होती है बच्चों, नीचे ऊपर ऊपर, ये सब। ओके, तो हम करते हैं, फर्स्ट है हमारा ए, चिरपी इज इन हर नेस्ट। चिरपी कहाँ पर बैठी थी, अपने घोंसले के अंदर। ओके, घोंसले के अंदर बैठी थी। हर नेस्ट इज एन ए मैंगो ट्री। एन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओन ओन, हर नेस्ट इज ओन के ऊपर, किसके ऊपर था, मैंगो ट्री के ऊपर। ओके, हर नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री, हर नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री। ओके, जो घोंसला था चिरपी का, वो कहाँ से गिर गया, मैंगो ट्री से नीचे गिर गया। लुक एट दीज ट्विग एंड फेदर्स, कुछ पत्ते और तिनके दिखाई दिए, देखे। ओके, तो हमारे ये हमारी एक्सरसाइज बच्चों पूरी होती है। थैंक यू, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।